जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी जेल प्रहरी का ओल्ड पेपर सामान्य विज्ञान का। तो जो भी एमपी जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यह वीडियो है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि 2018 में यह जो क्वेश्चन है किस प्रकार के आए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 9098602991 तो इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपके यहाँ एमपी जेल प्रहरी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक आपके यहाँ पहुंच जाएगी, तो आप वहां से एमपी जेल प्रहरी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, तो आपके लिए बताना है वह कौन सी गैस है। तो कौन सी गैस है वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीन जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर बताना है क्या कहते हैं। खालिस्तान कहते हैं तो क्या कहते हैं, मवेशी पालन या मसौदा पशु या दुधारी पशु या पशुपालन, दुधारू पशु। तो किस क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं दुधारू पशु। दुधारू पशु आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन। विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर नहीं बताना है कौन सी नहीं है। तो आंसर बताना है ए, हमें विभिन्न रंगों रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है, या अगला विकल्प है पौधों की बीज रहित किस्मों को इस विधि से उगाया जा सकता है, या यह नए पौधों के वर्धन का एक तेज और सस्ता तरीका है, अगला विकल्प है यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है। तो राइट आंसर यहाँ पर है यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है, विकल्प नंबर एक जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों पर प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर। तो चार का जो राइट आंसर है एम्फीबिया, टोड, सेलोमेंडर, गिरगिट आपका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर तीन जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं, स्प्लेंडर, आकार बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के, तो क्या है राइट आंसर, हाथों की पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदय पेशी या ऐच्छिक पेशी। तो क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर बताना है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर अनैच्छिक पेशी आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर दो। विकल्प नंबर दो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित Mg आयनों की संख्या गणना करें, तो Mg का परमाणु द्रव्यमान 24, तो आपका यहां पर राइट आंसर बताना है क्या होगा यहां पर आपका राइट आंसर, तो बताइए क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर। छह का राइट आंसर होगा यहां पर कि 1.20 × 10^20 की घात आपका जो है राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है और इसकी संयोजकता क्या हो क्या है? तो यहाँ पर बताना है क्या होगी, तो संयोजकता बताना है यहाँ पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है Mg2+ संयोजकता बराबर 2 आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चूने के पानी का क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, क्या है इसका राइट आंसर, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह CaOH2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई निम्न है, तो कौन सी है, नाभिक या DNA या गुणसूत्र या जीन, तो क्या है राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, 4 विकल्प आपके सामने, कमेंट में जरूर बताएं आंसर बनता है तो आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 तो इसका राइट आंसर है जीन, विकल्प नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार का स्पीडोमीटर 7 किलोमीटर घंटा दिखाता है और ओडोमीटर 0 पर सेट है, 30 मिनट के बाद ओडोमीटर का पाठ्यांक जो है क्या होगा यदि कार एक समान चाल से चल रही है, तो क्या होगा, 30 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, क्या होगा 10 का राइट आंसर यहाँ पर, तो 10 का राइट आंसर है 30 किलोमीटर आपका जो है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है, तो क्या है बताना है यहाँ पर, बताइए क्या है, तो आपका आंसर है सेलुलोस आपका जो है यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी पहचानिए, तो कौन सी वह बीमारी है जो वायरस के कारण ना होने वाली है, वायरस के कारण ना होने वाली बीमारी यहाँ पर बताना है, तो आपका राइट आंसर है अंतजर जो है आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो क्या होता है जब एक कॉपर सल्फेट विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपका राइट आंसर बताना है यहाँ पर, राइट आंसर है कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, तो क्या होता है उस जगह का तापमान बढ़ जाता है या उस जगह पर आर्द्रता कम हो जाती है, उस जगह पर दाब बढ़ जाता है, उस जगह पर दाब कम हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर है उस जगह का दाब कम हो जाता है, विकल्प नंबर 4 आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिवर्ष प्रतिशत क्या होगा जिसका द्रव्यमान 20% है, बिलियन का घनत्व 1.02 ग्राम मिली वन है, तो क्या है इसका राइट आंसर,
तो इसका राइट आंसर है 20.4%, 20.4% आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों एच आई बी और सी में कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब करते हैं। तो यहाँ पर बताना है केवल बी सी, केवल सी एच, केवल बी एच, केवल यहाँ पर जो है आई एच, तो बताना है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर है केवल आई और एच जो है राइट आंसर होगा, आई और एच विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पर बताना है, यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिकतम ऊष्मा ऊर्जा विकसित विकृत करती है, यह कम ऊर्जा कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और कम ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और कम ऊष्मा ऊर्जा विकसित विकृत करती है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव कान खालिस्तान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता। तो राइट आंसर बताना है यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम। तो राइट आंसर है यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम आपका जो है राइट आंसर है, मानव कान 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती। लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, बारिश होने पर बिजली का चमकना, बादलों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर यहाँ पर बताना है, राइट आंसर आपका है बादलों का निर्माण, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल पर एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न होगा। तो क्या होगा, तो आपका राइट आंसर है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आपका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।